इसमें तीन सेलेक्टर आते हैं हैवी वाले, देखो कितने मोटे और हैवी हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मैंने पूरा घेर है वो बिल्कुल बिखेर के रखा हुआ है, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इस पर्गी चैनल, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैं आपके लिए जो लाया हूँ अपाची 310 के इंजन का वीडियो है, जो कि बहुत टाइम से इसके ब्लॉक की तैयारी कर रहा था, जब मैं आने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फाइनली पार्ट जो हमारे पास वो आ चुका है। दोस्तों आज हम इंजन को फिट करेंगे और मैं चाह रहा हूँ कि इस इंजन की जो डिटेल में पूरी वीडियो बनाई जाए, इसका गियर बॉक्स कैसे काम करता है, गियर बॉक्स किस तरीके से फिट करा जाता है, और क्रैंक की डंडी किस तरीके से काम करती है, टन की रिंग किस तरीके से बिठाई जाती है, हर चीज़ डिटेल में आपको समझा पाऊँ किस तरीके से इंजन फिटिंग करा जाता है, किस तरीके से इनकी सेटिंग कर जाती है। और मैं चाहता हूँ जो कुछ मैकेनिक भाई चाहते हैं ये बाइक काम करना, लेकिन उन मैकेनिक भाई के लिए सीखने का एक बहुत सुनहरा मौका है, मेरे यूट्यूब से जुड़ेंगे तो आपको ऐसी बाइक की नॉलेज मिलती रहेगी और नई नई टेक्नोलॉजी की जो बाइक है उनके बारे में आपको सीखने को नया नया मिलेगा। तो चलो सब बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीधे आपको दिखाते हैं इसका इंजन। चलो बात करें इंजन की, तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो इसका इंजन हमने क्लीन करके अच्छे तरीके से चमका के यहाँ पे रेडी रखा हुआ है। और जैसे कि मैं आपको दोस्त बताना चाहूँगा इसके इंजन के बारे में, दोस्तों इंजन को हमने बहुत ही नीट और क्लीन करा, कम से कम 2 लीटर डीजल लगा और 1 लीटर पेट्रोल लगा, और जो पानी लगा वॉशिंग का वो अलग। तो उसके बाद जाके ये जो चमक आई है ना, उसको देख कर ना दिल एकदम खुश हो गया कि हाँ इंजन चमक रहा है। क्योंकि ना इंजन बांधते समय मेन जो होता है ना वो होती है सफाई। अगर इंजन आप गंदा बांध दोगे तो क्या होगा, जो चलेगा ऐसा नहीं बाइक नहीं स्टार्ट होगी, इंजन के जो बाहर की जो गंदी मिट्टी है वो इंजन जाएगी तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्ट्स हैं उनको डैमेज करेगी। तो दोस्तों ये रहे इसके इंजन के हमारे पार्ट्स खुले हुए, और वो हेडसन लिया, ये कनेक्टिंग रॉड है ये वाले, ये पिस्टन है देख सकते हो ये रही, और वो अपना मैग्नेट है। उसके लिए तो आज हम बात करते हैं इस इंजन की पहली सीरीज के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में, गियर की गरारियों किस तरीके से लगती हैं और लगाने का क्या उसका सही तरीका है। तो चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो इंजन है इनको ओपन करते हैं। ये है इसका गियर बॉक्स, तो आज हम बात करेंगे गियर बॉक्स के ऊपर, गियर बॉक्स किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से गियर बॉक्स को फिट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ आपको पता लग जाएगा वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पूरा गियर है वो बिल्कुल बिखेर के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो सारा का सारा गियर बॉक्स निकाल रखा हमने, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आउटपुट साफ के। तो दोस्तों ये देखो, ये आउटपुट साफ किस तरीके से है, या फिर आपको कोई गियर चेंज करना हो तो वो किस तरीके से करना वो भी आपको बताने वाला। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट साफ के गियर के बारे में, ठीक है। तो ये गियर है इसका आउटपुट साफ का, ये देख सकते हो। अब इसमें लगेगा कौन सा, सबसे पहला जो गियर आएगा उसके अंदर वो आएगा ये वाला, क्योंकि इसके जो ग्रुप है ये वाले इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको पलट के लगाओगे तो ये देखिए किस तरीके से बैठेगा, ये जो इसमें बैटरी पैक है ये देखिए, लेकिन जो गैप है ये नहीं है, टच हो रहा है, तो इसका ये सही नहीं है इसका। अब आप इसको पलट के लगाओगे इस तरीके से, ये देखिए, तो क्या होगा, इसमें गैप आ गया नीचे और ये मूवमेंट सही गियर इससे। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा, सबसे पहले इसमें आएगी वार्सल ये वाले, देख सकते हो आप, ये वार्सल आएगी इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा अपना बैरिंग, ये वाला बैरिंग है, ठीक है, ये वाला इसके अंदर आएगा इस तरीके से, ये देखिए। तो अपना ये जो पहले क्या है, गियर आया फिर वार्सल फिर आई इस पीछे बैरिंग। आपने नोटिस करा होगा इसके अंदर बैरिंग का ना बहुत इस्तेमाल करा गियर बॉक्स के अंदर, हर जगह बैरिंग है, तो यही बैरिंग है, ठीक है। अब लगाएंगे ये वाला गियर, और इसकी पहचान क्या है, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, जो लिखा हुआ होगा या किसी मार्क होगा वो हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, तो ये लिखा हुआ जो हिस्सा ये ऊपर की तरफ आएगा इस तरीके से, ये देखिए। यहाँ पे जो है आउटपुट शाफ्ट जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है अब आपको ये नज़र आ रही है वार्सल इसके अंदर, ठीक है, ये वार्सल है, ठीक है, देखिए इसके अंदर आएगी, जो कि हर गियर बॉक्स के अंदर आती है, आपको मालूम होगा वार्सल, ठीक है। तो थोड़ी इसकी वार्सल जो अलग है, अलग तरीके से ये रहा। उसके बाद आएगा इसका बैरिंग, जैसे तो बैरिंग है, ये बैरिंग नॉर्मल बैरिंग नहीं है, ये लोग कहाँ लगते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं, ये बैठ गया। तो यहाँ पे जो अपना आउटपुट साफ जो है कंप्लीट हो चुकी गियर बॉक्स, अब बैठाते हैं अपने इनपुट साफ। तो ये देखिए ये है इनपुट साफ, ठीक है। अब इसके अंदर पहले से क्या है, देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर तुम लगाओ नीचे लॉक, एक वार्सल और ये फिर बैरिंग, इसको होल्ड करने, ये जो है जो गियर है ये वाला आएगा इसके अंदर पहले, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये लॉक हो गया, तो इसका मतलब ये जो अपना गियर है बैठ गया, ठीक है। ये जो अपना छोटा गियर है ये यहाँ पे आएगा, ये देखो बैठ गया। और इसमें भी नोटिस करो जो लिखा हुआ है वो ऊपर आता है, हमेशा गियरों की पहचान किया जो लिखा होगा वो ऊपर आएगा, या फिर इसमें हल्का डॉट होगा, या फिर यहाँ पर जो अपना इनपुट साफ जो गियर ये भी कम्प्लीट हो चुका है, और वहाँ पे आउटपुट साफ भी जो कम्प्लीट हो चुका है,
तो यहाँ पे तो बात होगी गियर के बारे में, ठीक है। अब इस गियर को टेम्बर के अंदर कैसे फिट करना उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें, ये जो है गियर ड्रम है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये गियर ड्रम है, और देखो इसमें बैरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे बिठाना है इसको, वो सब मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों बात करें इसके, ये सेलेक्टर है, जैसे कि आपको मालूम होगा अक्सर अब बाइक में तीन सेलेक्टर आते हैं हैवी वाले, देखो कितने मोटे और हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है। छोटा वाला जो होता है वो कहाँ लगता है वो भी आपको बताने वाला, रक्षण कैसे बिट करना वो आपको जल्दी बताने वाला, ठीक है। दोस्तों बात करें इसके अंदर होता है ये लॉक, ये लॉक मैन है, अगर इसको नहीं लगाओगे तो ना भाई तो इंजन आपको स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको कैसे लगाना है, कहाँ पर लगाना है वो भी आपको बताने वाला। और बात करें कुछ इसकी सील है, ये जैसे कि आपको मालूम होगी होगी इसकी सील, अगर नहीं पता तो आपको पता लग जाएगा। तो बात करते हैं सेलेक्टर की पिन के बारे में। दोस्तों ये पिन देख सकते हो, अक्सर आपने देखा होगा पिन का जो साइज वो अलग आता है, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन इसके अंदर ये दोनों पिन सेम साइज़ की हैं और दोनों सेम हैं, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर की उधर, उधर की इधर, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया, अब प्रैक्टिकली मैं इसको बताऊँगा कैसे फिट करते हैं, ठीक है। और ये आप छोटे छोटे देख रहे हैं दो स्क्रीन से, ये लॉक है और ये लॉक कहाँ आने वाले हैं तो ये भी आपको पता लगे अभी जब हम इसका गियर बॉक्स फिट करेंगे ना, जब आपको प्रॉपर डिटेल में समझ आएगा। दोस्तों बात करें इसके गियर डॉक की, ठीक है। और ये कुछ इसकी स्प्रिंग है छोटी सी, ये बैठेगा, ठीक है। और इसके बाद आती है इसकी एक स्क्रू चेन में अलंगी का और एक छोटी सी वार्सल, ये देखिए। तो ये थे कुछ गियर बॉक्स के सारे पार्ट जो कि फिट होंगे, अगर इनमें से एक भी पार्ट मिस हो गया तो समझो आपका जो गियर बॉक्स है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए, तो अब मैं आपको चैम्बर के अंदर से गियर बॉक्स फिट करके, सबसे पहले जो मैंने रखा है चैम्बर वो रखा है नीचे वाला, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लगता है ऑल सम, ठीक है, जो नीचे जो चैम्बर है ये यहाँ पे। अब इसमें बैठेगा गियर बॉक्स, सबसे पहले बात करें गियर बॉक्स की तो वो आता है अपना ड्रम, यहाँ पे जो बैठेगा गियर ड्रम। मैं थोड़ा चैम्बर को इस तरीके से कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें लगेगा गियर ड्रम, ठीक है। तो गियर ड्रम लगाते हैं इसके अंदर हम, ये देखिए गियर ड्रम लगाने से पहले जितने भी बैरिंग है, जितने बैरिंग की जगह है यहाँ पे, सबसे पहले ना तो साफ इंजनों को लगा देंगे। चलिए मैं लगाता हूँ साफ इंजनों, सबसे पहले इसको लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये लग गया उसका इस बैरिंग के अंदर साइड से और उसका इस बैरिंग के अंदर। अब जितना भी ऑल लगा रहा है, जितना भी टपक रहा है, इनको साइड में जो सीट है इन पे इसी को घुमा लो ताकि जो बैरिंग है वो आराम से बैठ जाए, ठीक है। इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना, तो प्यार से तो इसको आराम से बैठाना है। ये देखो यहाँ पे जो बैरिंग बैठ गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्टर आउटपुट साफ वाले, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लगाने का तरीका सबसे बेस्ट है, सिंपल सा, ये वाला जो है ये अपना सबसे पहले इधर आएगा। सबसे पहले हमें इसको लगाना है और लगाते समय हल्का हाथ से करना है, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाने। अब लेते हैं दूसरा वाला, ये सेलेक्टर है, तो इसको इसमें खांचियाँ फंसाने के बाद इसको इसको आराम आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी, देखो क्यों। तो यहाँ पे मैंने एक बार इस पिन के अंदर इंजन डाल दिया ताकि ये आराम से बैठ जाए, और यहाँ पर देख सकते हो ये जो पिन है ये यहाँ पर बैठ गया, ये देखिए। तो अपने दोनों सेलेक्टर यहाँ बैठ चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ाते हैं अपने इनपुट साफ वाले सेलेक्टर को इस तरीके से, ये इसमें डालेंगे, इसको भी इस तरीके से लगाना प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं। और डाल लेते हैं इसमें इंजन में साफ पिन के अंदर, और ताकि जो है ये आराम से बैठ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपना गियर बॉक्स जो है कंप्लीट हो चुका है जैसे आपने देखा, और सेलेक्टर बैठ चुका है इस बाइक के अंदर यहाँ पे, ये देखो ये कुछ ऐसे ऐसे मूव करते हैं। अब बैठाते हैं इसमें गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स सिंपल है, ये आएगा पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स, ये वाला हिस्सा आउटपुट साइड का तो वहाँ जाएगा। अब बैठाते समय ध्यान देना है जो सेलेक्टर जो होते हैं वो अपने खांच में प्रॉपर बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए बैठाते हैं इसको हम, तो ये देखिए ये जो आउटपुट शाफ्ट है बैठ गई, और मैं आपको बता रहा था बैरिंग का लॉक, जो ये बैरिंग का लॉक दिख रहा है ये खांचे होते हैं ना इनके अंदर आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फंसा दिया, अभी वहाँ पे लगना बाकी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो ये अपना आउटपुट साइड कंप्लीट हो गया। अब बैठाते हैं इनपुट शाफ्ट को इस तरीके से। देखिए ये तो यहाँ पे चैम्बर को इस तरीके से पलट देते हैं। ये देखिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी इसके अंदर छोटे छोटे दो स्क्रू हैं, ये कहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों ये पिन है ना, पिन लॉक करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम पिन को लॉक कर लेते हैं ताकि वो स्पीड के समय ये पिन बाहर ना आए। पहले इसको टाइट कर लेते हैं। चलेंगे चार नंबर की एलन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं टाइट कर रहा हूँ उसको। दोनों जो स्क्रू यहाँ पे हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखिए दोनों जो है पिन टाइट हो गई है, गियर बॉक्स कम्प्लीट। चलो लगाते हैं यहाँ पे गियर डॉक को। सबसे पहले जो आएगा ये आएगा छः नंबर एलन की, वो इस तरीके से इस टाइप में, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्प्रिंग, ये आपको देखिए लॉक, ये बैठेगा इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और सबसे एंड में आएगी एक छोटी सी वार्सल जो कि ये वाली होती है, ये आएगी हम नीचे इस तरीके से ऐसे। और इसके बाद जो लगेगा ये लगेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको पुश करना ज़रूरी है जो टाइट करो, और एक बार स्प्रिंग को जरूर चेक करें। तो ये बैठेगा नहीं ना तो दिक्कत करेगा। क्या बैठ गया, करना कैसे इसको ऐसे ही है। ये देखो इसका तो ये काम कर रहा है, देख लो बाइक जो है एकदम न्यूट्रल है, बढ़िया पहला गया। ये आपको दिख रहा है, ये देखो ये फर्स्ट गियर है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल हो गया, अब ये सेकंड थोड़ा सा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पे जो छह गियर पूरे बढ़ रहे हैं, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, दूसरा, ये नूडल, ये पहला। तो यहाँ पे जो अपने गियर है ये ढंग से काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा गियर जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। लगाते हैं इसके अंदर गियर बॉक्स में लॉक। तो देखो ये वाला लॉक है, और ये देखा कट इसके अंदर, इस लॉक को अच्छे फंसा लेते हम। ये देखिए लॉक को मैंने फंसा लिया। अब इसके अंदर इसको उल्टा कर देंगे, मूव कर देंगे ताकि जो लॉक है वो निकल ना पाए। मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमाऊंगा, ये लो ये जो लॉक है बैठ गया, ठीक है। अब इसमें लगेगी इसकी ये जो सील थी, ये है आउटपुट शाफ्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये इसके अंदर प्यार से बैठ जाएगी, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, सिंपल से। ये जैसे तो यहाँ पे जो अपना गियर बॉक्स है ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना गियर बॉक्स का जो काम होता है कंप्लीट। अभी इसमें मेन काम बाकी है, उनको दिखाना चाहूँगा, जो कि ये गियर बॉक्स गिर रहा है, चूँकि अभी हमने इसको होल्ड नहीं करा, हमने इसको प्रॉपर टाइट नहीं करा, बस यहाँ पे टिका रखा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको गियर बॉक्स को टाइट करता हूँ। तो इसके लिए मैं गियर बॉक्स को उल्टा करना पड़ेगा। ये देखिए जो खाली जगह है यहाँ पे आएगा छोटा वाला स्क्रू, और देखो इसको इसकी डिज़ाइन भी एकदम अलग है। देखिए आपको ये क्या करता है, वहाँ पे गियर ड्रम को लॉक कर लेता है, जो निकलने नहीं देता गियर बॉक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज को टाइट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये फुल टाइट हो गया, ठीक है। अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो गियर बॉक्स है वो हमारा अब बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो होती है वो होती है एंड। चूँकि मैंने गियर बॉक्स की वीडियो थी ये इस पार्ट में इतनी था, बस गियर बॉक्स के बारे में। अगर आपको पूरी डिटेल में इसी तरीके से पूरे इंजन को लेके वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ताकि आपके लिए इसी सीरीज़ की तरीके से वीडियो आपके लिए लाता हूँ। तो चलिए सब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।